जो हमारे पास बेस्ट है वो हम उपलब्ध कराने की कोशिश किए हैं आप लोगों को, और प्रयास करेंगे कि आपको उसमें और भी अच्छे से अच्छी व्यवस्था उसमें हम कराने की कोशिश करेंगे। हमने सबको, हमारे थाना प्रभारी आए हुए हैं, हो सकता आपकी सब बात भी हो गई हो, जहाँ जहाँ आप रुके क्षेत्र से जो सीओ सिटी हैं हो रहा होगा, एडिशनल एसपी हैं। इसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो आप निश्चित तौर पर मुझसे आप संपर्क जरूर करिएगा, मुझे आप जरूर बताइएगा। उन्नाव पुलिस का यहाँ पे मुखिया होने के नाते मेरा ये धर्म है कि मैं आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूँ। जरा भी कोई बात हो, चूंकि समय इतना कम है, पहले होता था बीच में 3 दिन का गैप मिलता था, आप भी आते थे रेस्ट करते थे एक दिन, दूसरे दिन ब्रीफिंग होती थी, बट अब चुनाव आयोग ने जो भी किया है उस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। कर करके आया है, उनको भी पता है कि क्या करना है वहां पर, क्या नहीं करना है। सिर्फ सीधा सा है ना कि हमें जो चुनाव कराना है वो फेयर कराना है, हमारा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, निष्पक्ष रहना है और निष्पक्ष दिखना है। दो चीज होता है, एक होता है कि हम मन से तो कहते हैं हम निष्पक्ष हैं लेकिन दिखते नहीं है, हमारा जो भी कार्य और आचरण हो उस पर कोई कमेंट ना कर पाए, ऐसा हमें दिखाना है और रहना भी है, और हमें फर्म रहना है, यानी कि हम किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे लेकिन कठोरता में भी, स्ट्रिक्टनेस में, जो आप कहते हैं ना स्ट्रिक्टनेस में कोई कमी नहीं हुआ है, हमें किसी भी हालत में जो है निष्पक्ष होकर के और बिना किसी भय के मतदान जो करने आ रहे हैं उनको वातावरण प्रदान करना है, यही इलेक्शन कमीशन की जो है मंशा है, और इसी मंशा के तहत हम आप लोग यहां पे इकट्ठा हुए हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, समय, हम जहां पर भी हमारी ड्यूटी लगी हुई है, जिस फार्म में लगी हुई है, जिस भी रूप में है, जहां भी है, हम वहां समय से पहुंच जाएं। तीसरा, हमें अपनी ड्यूटी पता हो, हमें वहां पर क्या करना है। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है, उसी के हिसाब से व्यवस्था हर जिले में लगभग हुई है, वही QRT आपको मिल रही होगी, वही पोलिंग स्टेशन पर लगना होगा, कुछ की बैरियर ड्यूटी होगी, कुछ की पिकेट ड्यूटी होगी, कुछ की मोबाइल ड्यूटी होगी, कुछ लोगों की क्लस्टर ड्यूटी होगी। इस जिले में ये है कि हमारे सारे जो पोलिंग सेंटर्स हैं वो CAPF से कवर्ड हैं, यानी कि प्रत्येक पोलिंग सेंटर पर CAPF हाफ सेक्शन से लेकर के डेढ़ सेक्शन तक लगी हुई है। मैक्सिमम बूथ जो है 7 के हैं, 7 बूथ का मैक्सिमम जो पोलिंग सेंटर है हमारे यहां। हम एक चीज सिर्फ अपने थाना प्रभारी लोगों को बताना चाह रहे हैं, जो आप लोगों को 6 क्लस्टर दिए गए हैं, प्रत्येक थाना पे 6 क्लस्टर बना के जो आपने दिए थे वो मैंने, हमने वो फोर्स आपको दिया हुआ है, और 2 QRT मोबाइल दी हुई है जो SAP के नाम से, बुक में आप देखे होंगे, 2 QRT मोबाइल SAP स्टेट आर्म पुलिस के नाम से दी गई है, तो आपके पास कुल 8 क्लस्टर हो गए हैं। इन क्लस्टर को कहाँ लगाना है ये आप बैठ करके, हो सकता है आपने लगा लिया हो, ये आप बैठ करके लगा लीजिए, ये आपकी सुविधा के। और जनपद और जनपद से बाहर से आए हुए सभी हमारे पुलिस बल के जवान, बाहर से आए हुए फोर्स का जनपद में स्वागत है, और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ये जो आपकी मेहनत है जरूर इसको प्रदेश, जैसा कि हम लोगों ने पुलिस डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया है, 100% बूथ में CPF रहेगी, और
यही एक बात सभी राजनीतिक दलों को और सभी प्रत्याशियों को इतना है कि विश्वास प्रदान करती है कि चलिए अगर 100% बूथ में केंद्रीय बल लग रहा है तो चुनाव में कोई समस्या नहीं आएगी। हम सभी लोग, हमारी पूरी टीम जन